देखिए ये तो बात, अब तो दोनों कंजॉइंट है तो इसलिए दोनों को ही जाना पड़ता है। ये भैया जन्म से ही ऐसे हैं, एक ही शरीर में दो हैं, एक पांव सोना भैया का है, एक पांव मौना भैया का है। जी जी। और ये पढ़े लिखे हैं, क्या आपकी पढ़ाई है? हमारी इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और सरकारी कार्यकर्ता हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट में हैं। मतलब इन्होंने इस हाल में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और खूब पढ़ लिख करके ये बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, खूब बढ़िया अपना काम करते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति से अधिक काम करते हैं ये लोग। ये भैया जन्म से ही ऐसे हैं, एक ही शरीर में दो हैं। आपको शिकायत नहीं है भगवान से कि आप ऐसे अलग अलग होते तो कितना अच्छा होता? सोना सिंह और मौना सिंह पंजाब से आए हैं, एक बार सुंदर तालियां भैया सोना और मौना जी के लिए। ये हैं दो पर हैं एक। सोना भैया और मौना भैया का बहुत बहुत स्वागत गौरी गोपाल आश्रम में। माइक चालू कर लीजिए बेटा, माइक चालू कर दो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छे हैं? अच्छे हैं जी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया आपने? जी बहुत अच्छा लगा जी, आज दर्शन करके। दर्शन करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे। नीचे और बैठो, नीचे बैठो जैसे। हम आपका बहुत देखते थे यूट्यूब पे और आपके प्रवचन सुनते थे, हमारा बहुत मन था आपसे मिलने का और आज मौका मिल गया भगवान की कृपा से आपसे मिलने का। तो गौरी गोपाल आश्रम में माताओं का दर्शन हुआ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत मन को खुशी हुई कि भगवान के लोग, मतलब जैसे बुजुर्गों की सेवा करनी, वो आज के मतलब टाइम में कोई नहीं करता, जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी सेवा है, मतलब भगवान की देन है, माया है बोल सकते हैं जी। 285 माएँ हैं यहाँ पर और अखंड यहाँ पर एक लंगर चलता है, कोई भी आओ प्रसाद पाओ। उसका दर्शन किया आपने? जी बिल्कुल दर्शन किया। लंगर का दर्शन हुआ? अभी आप दर्शन कीजिएगा अखंड यहाँ जो लंगर चलता है, सबके लिए दर्शन कीजिएगा। कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई सवाल हो तो बताइए, जिनसे सबका भला हो। सवाल यही है कि हमें तो यही मतलब आप था कि आज के टाइम पे कोई किसी का भला करके नहीं राजी है जी, ये था हमारा सवाल कि मतलब सबको अपना अपना है कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए जी, सब अपना अपना देखते हैं जी, सेवा समाज की बिल्कुल नहीं होती। आपके स्थान पर आकर हमें ये सब कुछ अलग लगा जी। यहाँ के अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। देखिए गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं हमारे भैया को बहुत अच्छी लगी, गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं इन्हें बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बताइए, जैसे ये भक्त लोग हैं, ये तो जब इनको पानी पीना है, जैसे आपको प्यास लगी और आपको प्यास नहीं लगी, तो आपका हुआ कि चलो जी हम उठा के वहाँ से पानी पी लें, और आप बोले नहीं मेरा मन बैठने का और इनका जाने का, फिर कैसे आप दोनों करते हैं? देखिए ये तो बात, अब तो दोनों कंजॉइंट है तो इसलिए दोनों को ही जाना पड़ता है। ये भैया जन्म से ही ऐसे हैं, एक ही शरीर में दो हैं, एक पांव सोना भैया का है, एक पांव मौना भैया का है। जी जी। और ये पढ़े लिखे हैं, क्या आपकी पढ़ाई है? हमारी इंजीनियरिंग की है इन्होंने, और सरकारी कार्यकर्ता हैं, ये सरकारी डिपार्टमेंट में हैं। मतलब इन्होंने इस हाल में भी पढ़ाई नहीं छोड़ी और खूब पढ़ लिख करके ये बहुत योग्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, खूब बढ़िया अपना काम करते हैं, ये एक सामान्य व्यक्ति से अधिक काम करते हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसी तरह इनका जीवन बचपन से लेके आज तक इसी तरह का जीवन, अब इनका शरीर इस तरह का आदि हो गया है। देखो ये ऐसे रहकर भी आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? बिल्कुल खुश हैं हम अपनी जिंदगी से, हम चाहते हैं
सभी लोगों को अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आपको शिकायत नहीं है भगवान से कि आप ऐसे अलग अलग होते तो कितना अच्छा होता है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं भगवान से। हमने तो ये सोचा कि भगवान की जो भगवान को ठीक लगता है भगवान वही करता है, क्योंकि हम भगवान को कोई दोष दे ही नहीं सकते। बिल्कुल, देखो ये खुश हैं, शिकायत ईश्वर से नहीं है। पर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी हजार शिकायतें लोगों की होती हैं। सबसे बड़ी अमीरी क्या है जानते हैं? आप स्वस्थ हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने पांव से चल रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों, ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ये। अतः क्योंकि लोग आज के दौर में तो निकी छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं। हाँ, तो आत्महत्या कर लेते हैं, जरा सी असफलता आई, जरा सी टेंशन आई, डिप्रेशन आया, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जीवन में कभी ऐसे नहीं लगा कि हम आप कभी डिप्रेशन में तो नहीं गए, कभी परेशान तो नहीं हुए किसी से, बात से, दुखों ने आपको कभी घेरा तो नहीं? आज तक तो कभी भगवान की कृपा से ऐसा हमें नहीं लगा, और कभी दुख भी नहीं हमें आया। तो ऐसा है कि हम तो जब कोई भी दुख आए या अब आएगा कोई भी, तो हमारा ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जो भगवान को अच्छा है वो ही भगवान की मर्जी से होता है सब कुछ। जी, हमारा ये मानना है कि वो उसका पाठ करो, उसकी पूजा करो, वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जैसे भगवान रखना चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वैसी रहना चाहिए। तो आप लोग भैया से मिलकर ये सीखो कि ये इस हाल में भी खुश हैं, तो आपको सदा प्रसन्न ही रहना है। कभी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं कि हम ऐसे क्यों वैसे क्यों, है ना? अच्छा, आप दौड़ भी लेते हैं? बिल्कुल दौड़ भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा नहीं पूरा। अच्छा, पूरा दौड़ लेते हैं जी। गाड़ी भी चला लेते हैं? जी जी बिल्कुल, गाड़ी चला। आपके आधार कार्ड दो हैं पर ड्राइविंग लाइसेंस एक है, और ये गाड़ी भी बढ़िया चलाते हैं। चलो जी, तो कृपा से चल रहा है सब कुछ, अच्छा चल रहा है। जी जी, आपके घर वालों ने कभी शिकायत नहीं की कि ऐसा बेटा है मेरा, ऐसा है, इस तरह से है? नहीं, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं। नहीं सुना, अच्छा है। चलिए, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। अच्छा, विवाह करने का क्या विचार है? अभी तक तो अभी कोई विचार नहीं है। अभी तो ऐसा है जिंदगी की, जिंदगी में विवाह का नहीं दिमाग में आता। अभी ऐसा है कि जिंदगी को मतलब और जीना है, मतलब और ढंग का करना है, बेहतर बनाना है, बेहतर बनाना है, समाज के काम आना है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज सेवा करनी है। वाह, देखिए ये इस भाव से काम करते हैं कि ये समाज सेवा कर सकें। सबसे बड़ा धन सेवा ही है। बिल्कुल, यदि आप सेवा कर रहे हैं तो आप हैं, पर यदि आप सेवा नहीं करते, किसी के काम नहीं आते, तो फिर जानवरों में और अपने में अंतर क्या रहा? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यही भावना इन लोगों की है कि सबकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। बिल्कुल जी, कर भी रहे हैं, आगे जितने सांस और भगवान ने दिए करते रहेंगे। जी, आप भी बहुत अच्छी सेवा ही कर रहे हैं। अच्छा, इन्हें चिटकोटी काटने तो दर्द इन्हीं को होता है कि आपको भी होता है? नहीं, मेरे को काटोगे तो मेरे को होगा, इसको अच्छा, काटेगा तो इसको होगा, मतलब दर्द अलग 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 होता है। अच्छा, दर्द अलग अलग है। यस, सिर में दर्द इनके है तो इनको ही होगा, आपको नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूख लगती है आप दोनों को? दोनों को लगती है, दोनों को भूख लगती है। तो दोनों का बाकी हिस्सा तो पेट तो अलग अलग ना दोनों का? नहीं, एक है। दोनों का पेट एक है? यस। तो दोनों का पेट एक है तो ये खा के भर लेते हैं फिर आप? ऐसा नहीं है कि खाकर तो भर लेते हैं, एक भी खा ले तो कोई बात नहीं, चल जाता। अच्छा, एक भी खाए तो दूसरा चल जाता है? हाँ, क्योंकि ये तो एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की बात होती है। नहीं, संतुष्टि तो अपनी जगह है, लेकिन आपको भूख लगती होगी तो वो नहीं आता होगा कमजोरी सी, नहीं कुछ खा लेते तो एनर्जी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मुंह के टेस्ट की बात होती है। अच्छा, दूसरा मतलब पेट दोनों का एक है? जी जी जी। तो आप खाएंगे तो भी वहीं जाना है, ये खाएंगे तो भी? जी जी जी। तो केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, बाकी पेट तो चाहिए खा के भर ले, चाहिए खा के भर। जी 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 जी। तो आपके पेट एक है। अच्छा, पांव आपका एक आपका है, एक आपका है? जी।
हाथ भी अलग अलग हैं, पांव एक है, बाकी बाकी सब अलग अलग है, दिमाग तो सबका अलग है ही अलग, आप भी अलग, आपके विचार मिलते हैं कि कुछ विचार नहीं मिलते? कुछ विचार मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं। सोच अलग अलग है ना, आपकी सोच अलग है, कभी आपकी अलग विचारधारा हो जाती है, कभी आपकी अलग विचारधारा हो जाती है, फिर आपस में ऐसे की विचारधारा आपस में साझा करके तो वो सेटल्ड हो जाता है। हाँ, कभी लड़ाई नहीं होती आप दोनों की? लड़ाई ऐसा है कि लड़ाई का करेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर है। एक दूसरा आदमी है वो लड़ाई करेगा दूसरे से, वो तो कहेगा नहीं बुलाना इसको, अभी वो दूर चले जाएगा। हाँ। तो हम लड़ेंगे तो यहाँ से लड़के जाओगे कहाँ? हाँ। किसको बुलाना? अच्छा, बचपन में कभी बचपन में आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई? नहीं, बचपन में तो हमें याद नहीं की हुई हो शायद, अभी को जब जो अभी टाइम दौर चल रहा है अभी तो नहीं हुई कभी, अभी नहीं हुई। चलिए, अच्छा है आपकी लड़ाई ना हो, भाई भाई हैं आप दोनों, और राम और लक्ष्मण की तरह रहिए। अब तो बड़ा छोटा भी कोई नहीं, एक साथ हैं दोनों है? जी। अब कोई ये भी नहीं कह सकते कि ये भाई बड़ा है ये भाई छोटा है, दोनों एक हैं, एक साथ ही जन्म हुआ दोनों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर, आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी की डेथ हो गई। अच्छा, और आपके जो भाई हैं वो क्या करते हैं? वो भी सब अपने अपने जैसे कोई जॉब कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। जी जी, खुश हैं वो? आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? सभी बड़े हैं। आपसे सब बड़े हैं, आप सबसे छोटे हैं? हम तो एक सोसाइटी थी भगत पूरन सिंह जी की, पिंगलवाड़ा सोसाइटी, उसमें पले बड़े हैं। अच्छा, माँ बाप के पास नहीं? नहीं, वो ऐसा था कि वो उस टाइम पे कुछ था कि वो नहीं रख सकते थे। अच्छा, इसलिए सोसाइटी ने कहना था कि उस टाइम वो नहीं रख सकते, तो हम रहे जितनी देर सोसाइटी में रहे थे। एक वो पिंगलवाड़ा सोसाइटी बहुत बड़ी है, वो भी सेवा करती है। जी जी जी, आपने देखा होगा, सुना होगा। जी जी, बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो अब माँ बाप से मिलना जुलना है? जी अभी अभी है, पर अभी जब टाइम टाइम लगता है तो तब मिलते हैं जाते हैं। अच्छा, बात होती रहती है क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं, वो दिल्ली से। ठीक है, सुंदर, आप में से किसी का कोई सवाल है भैया से? ये दोनों अलग, हाँ ये कह रहे हैं कि आप दोनों अलग अलग नौकरी करते हैं कि एक ही करते हैं? एक नौकरी करते हैं, एक पोस्ट है, एक ही पोस्ट, मतलब हमारा टेक्निकल पोस्ट होता है ना, तो एक ही पोस्ट रहता है, तो सैलरी एक के में आती है? सैलरी एक ही आती है, डबल ही आ जाती है। डबल भी आती है? डबल ही आ जाती है, संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। जी जी, जितनी भी आ जाए। तो क्या करते हैं फिर उस पैसे से आप जो आता है उससे, क्या क्या आपके खर्चे हैं? खर्चे है नहीं इतने, तो हम ऐसा है कि हमारा जो पैसा आता है, हम ऐसा है कि हम जैसे जहाँ पे काम करते हैं वहीं थोड़ा बहुत लगा देते हैं, या किसी को दे दिया, या ऐसे चलता, किसी की मदद कर दी। अच्छा, आप अपने पैसे से मदद करते हैं? हमारे हम हेल्प, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो कमाते हैं वो सारा पैसा मदद में खर्च करते हैं अधिकाधिक। क्या खाने पीने का शौक रखते हैं आप लोग? हमारा हमारा कोई इतना शौक नहीं होता, सादा भोजन पसंद करते हैं। और कोई नशा वसा नहीं? बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज के टाइम में यही नशा चल रहा है, इसलिए तो सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप ना पंजाब में, पंजाब के युवाओं को ये भी मैसेज दे सकते हैं, आप एक मुहिम चला सकते हैं कि नशा मुक्त हो। हाँ, चल रही है मुहिम, नशा मुक्त मुहिम चल रही है। आप भी प्रयास, आप भी करते ही होंगे प्रयास? हम उसमें हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आज के युवाओं को नशा से बचाना यही बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सेवा। आजकल लोगों के घर टूट रहे हैं, इसी वजह से टूट रहे हैं। बिल्कुल, परेशान है स्त्रियाँ, माँ परेशान, बहन परेशान, पत्नी परेशान। पर नशा तो कोई है नहीं, हल नहीं है कोई नशा करना। अच्छा, क्योंकि नशा करना मतलब मेरी ये बात है कि नशा करने से वो जो दुख है, जहाँ नशा करने से जो हालात पैदा, वो कम नहीं हो सकते। बिल्कुल, वो तो प्रयास करेंगे, जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे, काम करने से घटता है ना। बॉलीवुड तो कहता है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, ऐसे गाने बनाता है बॉलीवुड। नहीं, बट हमें लगता है वो बॉलीवुड फिल्मों में अच्छी बात है, पर रियल लाइफ में वो बात बिल्कुल नहीं मायने रखती। तो बॉलीवुड आखिर फिल्में बना के समाज को बिगाड़ रहा है कि नहीं? देखो, इसके ऊपर तो हम यही कहना चाहते हैं कि वो जो जो हमारे युवा देखते हैं वो फिल्मों के एंटरटेनमेंट के लिए है बस,
वो अपने आप लेकिन लोग लोग उससे तो प्रभावित भी हो जाते हैं ना कुछ लोग। बिल्कुल बिल्कुल लोग फॉलो ही उनको करते हैं। हाँ फॉलो करते हैं तो फिर वो शराब पीने लग जाते हैं। बिल्कुल मतलब कुल मिला के वो मैसेज गलत दे रहे हैं। जी बात है, है? जी। तो बॉलीवुड गलत मैसेज दे रही है, शराब के सारे सीन होते हैं पिक्चरों में होते और, हैं। और आज की युवा समझ उनको लगता है कि अरे सुपर डुपर स्टार पी रहा है तो मैं क्यों ना पीऊं। आपने एक बात देखी होगी, सभी ने देखी होगी, शराब पी रहे हैं फिल्म में, पर साइड में लिखा भी आता है ये करना हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा भी आता है, लेकिन वो लाइन पढ़ नहीं पाते ना। वो लाइन किसको दिखती है? किसी को नहीं दिखती, छोटे अक्षर में लिखते हैं। हाँ वो दिखती नहीं है किसी को। सही है, ये बड़े अक्षरों में लिखकर उन्होंने अपनी फिल्म थोड़ी खराब कर ली। सही है। अच्छा कथा सुनते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कथा सुनते हैं, कथा आपकी अच्छी लगती है, स्टेटस भी डाल देते हैं। वाह देखो ये कथा सुनते हैं और कथा के कारण ही यहाँ आए और यहाँ की सेवाएं ने खींच करके ले आई। आप पहली बार वृंदावन आए ना? हम लोग पहली बार ही वृंदावन में, पहली बार वृंदावन आए और गौरी गोपाल की सेवाओं को देखकर आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा लगा इन्हें माँ से मिलकर, इन्होंने खूब दर्शन किया। और बताइए हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कोई कहने के लिए, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा हम चाहते हैं भगवान आपसे, ऐसी सेवा लेते रहें और आप ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए।